बलराज रघुनाथ दत्त उर्फ सुनील दत्त 6 जून 1929 को पाकिस्तान के शहर जहलुम में पैदा हुए। वो बचपन से ही अदाकार बनने के ख्वाहिशमंद थे। सुनील दत्त को अपने कैरियर के इब्तदाई दौर में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के तौर पर काम किया, जहां उन्हें 120 रुपये महाना उजरत मिलती थी। इस दरमियान उन्होंने रेडियो सैलून में भी काम किया, जहां वो फिल्मी अदाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। हर इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। सुनील दत्त ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ साल 1955 में आई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से किया और साल 1955 से 1957 तक उन्होंने कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। सुनील दत्त की किस्मत का सितारा 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया से चमका। इस फिल्म में सुनील दत्त ने नरगिस के छोटे बेटे का मनफी किरदार अदा किया था। मदर इंडिया ने सुनील दत्त के फिल्मी कैरियर के साथ ही उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी असर डाला। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल अदा किया था। फिल्म शूटिंग के दौरान नरगिस एक सीन में आग की लपेट में आ गई थी और इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। इस वक्त सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूदकर नरगिस को आग की लपटों से बचा लिया। बाद अज़ां दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सुनील दत्त ने साल 1981 में अपने बेटे संजय दत्त को लेकर फिल्म रॉकी बनाई, जो सुपरहिट साबित हुई। इनकी आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी। 10 साल तक तू झूठ बोलता रहा, उस वक्त तेरी आंख में शर्म नहीं आई, और आज जब तेरे बाप को तुझ पे नाज है तू सर झुकाए खड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोग मेरे बेटे को इतना प्यार करते। फिल्म में कामयाब अदाकार होने के साथ साथ उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया और इस मैदान में भी उन्होंने मिसाल कायम कर दी। कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सीट के लिए वो 5 मरतबा मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए। मनमोहन सिंह हुकूमत में सुनील दत्त मरकजी वजीर खेल भी रहे। मशहूर नगमा निगार जावेद अख्तर ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए सुनील दत्त के बारे में कहा था कि वो सियासतदान से ज़्यादा समाजी खिदमतगार थे। वो एक अच्छे इंसान थे। वो सरहदों पर जाकर फौजी जवानों की हौसला अफजाई किया करते थे। कोई किसी को मारे, किसी भी धर्म वालों को मारे, किसी की जात वालों को मारे, मगर है तो वो हिंदुस्तानी। बाकी अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारी फौजें हैं, बूंद एक बंदूकें हमारी फौजों के पास होनी चाहिए जो कि देश की रक्षा कर सकें। जो देश के लोग हैं उनको खत्म करने के लिए हमारा युवा जब आगे बढ़ता है तो देश जो है बड़ा कमजोर हो जाता है। यश चोपड़ा ने कहा कि इस वक्त इनके पास अल्फाज नहीं है जिससे वो सुनील दत्त जैसी शख्सियत की तारीफ कर सके। वो एक अच्छे दोस्त, अच्छे बाप थे। उन्होंने कभी गलत बातों पर समझौता नहीं किया। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की हसरत भी पूरी कर दे। सुनील दत्त अपने फिल्मी कैरियर में 2 बार बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। इनमें 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो और 1965 में रिलीज हुई फिल्म खानदान शामिल हैं। हमने तुम्हारा धर्म खरीद लिया, आज से तुम सिर्फ हमारे लिए नाचोगी और गाओगी। मैंने सोचा लक्ष्मी के सींग रंग दो, इससे मुझे ऐसी दुलत्ती मारी कि मैं सीधा कुंड में गिर गया। साल 1968 में सुनील दत्त को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। साल 2005 में उन्हें फाल्के रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सुनील दत्त ने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में अपनी एक अनोखी शिनाख्त बनाने वाले सुनील दत्त 25 मई 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत, उर्दू।